ओ भूरभुआ स्वे तत्सवितरवरेण्यम भर्गो देवाशध नही यो न प्रचोदया ओ शांति 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 नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान युग के महान मनीषी भगवान श्री रमन महर्षि की शिक्षाओं के ऊपर ये तेरवा वीडियो है इस वीडियो को हम शुरू करते हैं ग्रस्त जीवन के विषय के ऊपर सनिष्ठ साधकों के लिए हिंदू धर्म में सुप्रतिष्ठित परंपरा है जो उनको अपने जीवन में चार आश्रमों में रहने का आदेश देती है पहला ब्रह्मचर्य संयम पूर्वक अध्ययन का समय जिसके दौरान विवाह से पूर्व लंबे अरसे तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता है सामान्य रूप से इसमें वेद विद्या की विशेष शिक्षा देने वाली संस्था में निवास किया जाता है दूसरा विवाह तथा परिवार समाप्त होने पर मनुष्य को विवाह करके गृहस्थी के कार्यों को तथा अपने व्यवसाय संबंधी सामाजिक कर्तव्यों को प्रामाणिकता से एवं अनासक्ति से निभाना चाहिए। तीसरा वानप्रस्त वनवासी यति पारिवारिक कर्तव्य पूरे होने पर, अर्थात संतानों का विवाह हो जाने पर एकांत स्थान में सामान्य तैयार वन में निवृत्ति प्राण होकर पूरे समय के लिए ध्यान अभ्यास करना चाहिए। चौथा सन्यास विचरणशील भिक्षु जीवन के अंतिम भाग में साधक पूर्ण रूप से संसार का त्याग करके विचरण करने वाला यति बनता है भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक जिम्मेदारियों को छोड़कर सन्यासी सैद्धांतिक रूप से उन सब आसक्तियों का त्याग करता है जो पूर्व जीवन में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में विघन बनी हुई थी यह समयबद्ध सर्व स्वीकृत जीवन व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि यदि मनुष्य गंभीरता से अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना चाहता है तो उसे परिवार का त्याग करके ब्रह्मचारी यति बनकर ध्यान में जीवन जीना चाहिए श्री रमन को इस मान्यता के बारे में कई बार पूछा गया था लेकिन हर बार उन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था वे कभी भी अपने भक्तों को ध्यान में जीवन के लिए सांसारिक जिम्मेवारियों के त्याग की अनुमति नहीं देते थे और निश्चय पूर्वक यह कहते थे कि किसी भी भौतिक परिस्थिति में साक्षात्कार सबके लिए संभव है भौतिक त्याग के परामर्श के बदले वे अपने भक्तों से कहते कि अपने साधारण कर्तव्यों तथा जिम्मेवारियों का निर्वाह ऐसी जागरूकता के साथ किया जाए कि शरीर मन से किए जाने वाले कर्मों का कर्ता या जिम्मेवार कोई व्यक्तिक अहम नहीं है तो यह आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा उनकी दृढ़ मान्यता थी कि आध्यात्मिक विकास के लिए भौतिक परिस्थिति से मानसिक दृष्टिकोण का अधिक महत्व है वे हमेशा सभी मुलाकातियों की इस मान्यता का अस्वीकार करते कि परिस्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन या सुधार आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद है उनकी भौतिक परिवर्तन की अनुमति केवल आहार विषयक होती थी वे इस हिंदू मान्यता का स्वीकार करते थे कि खाया गया अन्य विचारों की संख्या एवं उनके गुणों को प्रभावित करता है इसलिए वे उचित मात्रा में शाकाहार लेने का अनुमोदन करते थे जिससे आध्यात्मिक अभ्यास में सबसे अधिक उपयोगी सहायता मिलती है जिसे श्री रमन मान्य रखते थे वह हिंदू आहार नियमन का सिद्धांत विभिन्न आहारों का वे जिस प्रकार की मानसिक स्थिति उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार वर्गीकरण करता है पहला सात्विक शुद्ध एवं संवादिता दूध की बनी खाद्य चीजें फल शाक और विभिन्न प्रकार के धान्य सात्विक आहार हैं इन वस्तुओं से बना भोजन साधक को शांत एवं निश्चल मन स्थिति बनाए रखने में सहायता करता है दूसरा राजसिक परिवृत्तिशीलता मांस मछली तथा मिर्च प्याज लहसुन इत्यादि गर्म मसाले आहार है जिसे खाने से मन जरूर से अधिक चंचल बनता है तीसरा तामसिक प्रमाद एवं अकर्मण्यता सड़े हुए बासी एवं खमीर उठाए हुए पदार्थ जैसे कि आसव मध्य इत्यादि तामसिक आहार है जिसे खाने से मन संवेदना संवेदना शून्य सुस्त एवं जड़ जैसा बन जाता है और उसकी स्पष्ट निर्णयात्मक विचार करने की शक्ति हो जाती है। अब प्रश्न: सेवा से निवृत्त होकर श्री भगवान के साथ हमेशा रहने को मेरा मन करता है उत्तर भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपका आत्मा भगवान है इस सत्य का अनुभव करने के लिए आपको अपने कार्य से निवृत्त होने की या घर से दूर दूर चले जाने की आवश्यकता नहीं है कपड़े बदल देना घर परिवार छोड़ना त्याग नहीं है इच्छाओं को ममता को आशक्तियों को छोड़ना त्याग है आपको अपने सेवा कार्य से निवृत्त होना जरूरी नहीं है केवल स्वयं को ईश्वर को सौंप दीजिए जो वस्तुतः सबके बोझ को वहन करता है, जो मनुष्य इच्छाओं का त्याग करता है, वह जगत में विलीन होकर अपने प्रेम को पूरे विश्व में फैलाता है। त्याग के बदले प्रेम एवं करुणा का विस्तार एक सच्चे भगवत भगत के लिए अधिक अच्छी बात है, क्योंकि जो निकट के बंधनों को काट देता है वह वस्तुतः अपने प्रेम का विस्तार सीमा वर्ग संप्रदाय तथा जाति की मर्यादाओं को लांघकर संपूर्ण जगत में करता है जब सन्यासी अपने वस्त्रों का तथा घर का त्याग करता है तो वह ऐसा अपने निकट संबंधियों के प्रति नफरत के कारण नहीं करता बल्कि अपने प्रेम का चारों ओर दिखने वाले सबके प्रति विस्तार करने के हेतु से करता है जब प्रेम विस्तार की घटना है तब तो मनुष्य घर से भाग रहा हो ऐसा अनुभव नहीं करता बल्कि पके फल जैसा वृक्ष से अनायास अलग हो जाता है उस प्रकार घर से अलग हो जाता है तब तक अपने घर को या कार्य को छोड़ना मूरखता है प्रश्न मोक्ष की योजना में गृहस्थ की यात्रा का क्या अंजाम होता है क्या उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए भिक्षु बनना आवश्यक नहीं है उत्तर आप हैं ऐसा क्यों सोचते हैं यदि आप सन्यास लेकर भिक्षु बनकर चल भी दें तो इसी प्रकार आप एक सन्यासी हैं ऐसे विचार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे आप घर में रहें या उसे छोड़कर वन में चले जाएं आपका मन आपका पीछा नहीं छोड़ता अहंकार विचारों का मूल है वह शरीर तथा जगत की रचना करता है और आपको आप ग्रस्त हैं ऐसा सोचने के लिए विवश करता है यदि आप त्याग करेंगे तो वह गृहस्थ के स्थान में संन्यास का विचार रख देगा और घर के वातावरण वातावरण के बदले जंगल का वातावरण खड़ा कर देगा इस प्रकार मन के उत्पन्न किए विघन हमेशा आपके साथ रहेंगे नए वातावरण में वे शायद बढ़ भी सकते हैं वातावरण को बदलने से कोई लाभ नहीं मन ही एक विघन है और घर में रहकर या वन में रहकर इसका निग्रह आपको अवश्य करना होगा यदि आप यह काम वन में रहकर कर सकते हैं तो घर में रहकर क्यों नहीं कर सकते इसलिए वातावरण क्यों बदलना आप अपने प्रयत्न अभी प्रारंभ कर सकते हैं वातावरण कैसा भी हो कार्यों में व्यस्त रहकर भी क्या कोई सुख प्राप्त कर सकता है उत्तर मैं करता यह भाव अवरोध है अपने आप से पूछिए कौन काम करता है तब कर्म बंधन नहीं करेगा वह अपने आप होने लगेगा कर्म करने या न करने का प्रयत्न मत कीजिए आपका प्रयत्न बंधन है जो अवश्यम भावी है वह होकर रहेगा यदि आपकी नियति काम न करने की है तो आपके प्रयत्न करने पर भी आपसे काम नहीं होगा यदि आप कार्य करें ऐसी नियति है तो आप काम से बच नहीं सकते विवश होकर आपको काम करना पड़ेगा इसलिए इसे उच्चतर शक्ति पर छोड़ दीजिए आप अपनी इच्छा से त्याग या ग्रहण नहीं कर सकते कल भगवान ने कहा था कि भक्ति आंतरिक रूप से ईश्वर की तलाश में लगा रहे तो बाह्य कर्म अपने आप होता रहेगा श्री चैतन्य के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब वे छात्रों को पढ़ाते थे वे वस्तुतः भीतर कृष्ण को ढूंढ रहे थे और अपने शरीर भान को भूलकर कृष्ण के बारे में बोलने लगते थे इस कारण यह संदेह होता है कि काम को अपने आप पर छोड़ा जा सकता है यानी क्या साधक को अपने लक्ष्य का एक भाग काम के लिए बचाकर रखना चाहिए उत्तर आत्मा सब कुछ है क्या आप आत्मा से अलग हैं अथवा क्या काम आत्मा के बिना हो सकता है आत्मा विश्व आत्मा है अतः सब काम आपके उनमें जुड़ने या न जुड़ने के प्रयत्न के बिना भी अपने आप होते रहेंगे इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उसे कौरवों को मारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे ईश्वर के द्वारा पहले ही मारे जा चुके थे कर्म का निश्चय करना या उसके बारे में चिंता करना अर्जुन का काम नहीं था बल्कि अपनी प्रकृति के द्वारा उच्चतर शक्ति की इच्छा को पूर्ण होने देना ही उसका कर्तव्य था प्रश्न लेकिन मैं सावधानी न बरतूँ तो काम बिगड़ सकता है उत्तर आत्मा के प्रति लक्ष्य रखने का अर्थ काम के प्रति लक्ष्य रखना है क्योंकि आप अपने आत्मा को शरीर से एक रूप मानते हैं आप ऐसा सोचते हैं कि आप काम करते हैं लेकिन शरीर एवं उसकी चेष्टाएं, जिनमें सारे कर्म भी शामिल हैं आत्मा से अलग नहीं है काम में आप लक्ष्य रखें या न रखें उससे क्या फर्क पड़ता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलते हैं तब आप अपने प्रत्येक कदम पर लक्ष्य नहीं देते तो भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं या नहीं आप यह अनुभव करते हैं कि चलने का काम आपके लक्ष्य के बिना भी चलता रहता है इसी प्रकार अन्य कार्य भी हो सकते हैं प्रश्न यदि मनुष्य आत्मा की समृति बनाए रखे तो क्या उसके कार्य हमेशा सही होंगे उत्तर आपको होना ही उनको होना ही चाहिए लेकिन ऐसा मनुष्य अपने कर्मों के अच्छे बुरेपन की चिंता नहीं करता उसके कर्म ईश्वर के हैं और इसलिए अच्छे ही हैं प्रश्न यदि मुझे मेरे मन का उपयोग अन्य लोगों से अधिक मात्रा में करना पड़े तो वह शांत कैसे रह सकता है मैं मेरे मुख्य शिक्षक के कार्य को छोड़कर एकांत में चला जाना चाहता हूँ उत्तर नहीं आप जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं और अपना कार्य जारी रख सकते हैं वह प्रवाह क्या है जो मन को चेतना एवं कार्य करने की शक्ति देता है वह आत्मा है तो आपके कार्यों का सच्चा मूल वही है काम के समय उसके बारे में सभान रखिए एवं उसका समरण मत होने दीजिए कार्य करते समय भी अपने मन की पृष्ठभूमि में आत्मा का ध्यान जारी रखिए ऐसा करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए अपना समय लीजिए काम करते वक्त भी अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति बनाए रखिए और वी विस्मरण कराने वाली जल्दबाजी टालिए हमेशा सजग सतर्क रहिए मन को शांत बनाने के लिए ध्यान कीजिए एवं उसके आश्रयभूत आत्मा के साथ उसके संबंध के बारे में उसे सतत सावधान रखिए ऐसा कल्पना मत कीजिए कि आप काम कर रहे हैं समझिए कि जो बुनियादी अंतरप्रवाह है वह कार्य करता है उस परवाह से अपना तादातम्य स्थापित कीजिए यदि आप धैर्य से सजगता से कार्य करेंगे तो वह कार्य या सेवा आपके मार्ग में अवरोध नहीं बनेंगे प्रश्न साधना की प्रारंभिक भूमिका में मनुष्य के लिए बाह्य कर्म त्याग एवं एकांत सेवन सहायक रूप नहीं बनेंगे क्या उत्तर त्याग हमेशा मन से होता है अपने कर्तव्यों को छोड़ने से वन में या एकांत में जाने से त्याग सिद्ध नहीं होता मुख्य बात यह देखना है कि मन बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर मुड़े यह मनुष्य के हाथ की बात नहीं है कि वह यहाँ या वहाँ जाए अथवा वह अपने कर्तव्यों का त्याग करे या नहीं करे ये सब घटनाएं नियति के घटती हैं। शरीर जन्म के समय वे कौन से कर्म करेगा इस बात का निर्णय हो जाता है उनका स्वीकार या त्याग आपके हाथ में नहीं है जो एकमात्र स्वतंत्रता आपको प्राप्त यह कि आप मन को अंदर की ओर मोड़े एवं वहां कर्म त्याग करें प्रश्न। लेकिन क्या विशेषतया नए साधक के लिए ये बातें उसकी थोड़ी सहायता करें यह संभव नहीं जैसे छोटे वृक्ष की रक्षा के लिए बाढ़ की जाती है क्या हमारे धर्म ग्रंथ नहीं कहते कि पवित्र स्थानों की यात्रा और सत्संग से सहायता मिलती है उत्तर किसने कहा कि इनसे सहायता नहीं मिलती केवल ऐसी बातें आपके हाथ में नहीं है जबकि मन को अंतर्मुख करना आपके हाथ में है बहुत से लोग यात्रा या सत्संग करना चाहते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं लेकिन क्या सब ऐसा कर सकते हैं प्रश्न ऐसा क्यों है कि सिर्फ अंतर्मुख बनने में ही हम स्वतंत्र हैं और किसी बात के लिए नहीं उत्तर यदि आप प्रश्न के मूल तक जाना चाहते हैं तो आपको आप कौन हैं इसकी तलाश अवश्य करनी चाहिए और यह ढूंढ निकालना चाहिए कि नियति का बंधन और स्वतंत्रता किसके लिए है आप कौन हैं एवं आपको मर्यादाओं वाला शरीर क्यों दिया गया है प्रश्न विचार के लिए एकांत आवश्यक है उत्तर एकांत सर्वत्र है मनुष्य हमेशा अकेला होता है उसका कर्तव्य एकांत को अपने भीतर ढूंढना है बाहर नहीं एकांत मनुष्य के मन में है वह जगत के व्यवहार में लगा रहकर भी मन की प्रशांत स्थिति बनाई रख सकता है ऐसा मनुष्य हमेशा एकांत में है दूसरा मनुष्य वन में रह करके भी अपने मन को यदि संयम में नहीं रख सकता तो वह एकांत में रहता है ऐसा नहीं कहा जा सकता एकांत मन का कार्य है इच्छाओं के साथ आशक्ति वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहे एकांत नहीं पा सकता जबकि अनाशक्त मनुष्य सदा एकांत में है पर्शन तो मनुष्य काम में लगा रहकर भी इच्छाओं से मुक्त रह सकता है एवं एकांत बनाए रख सकता है क्या ये ठीक है उत्तर हाँ आशक्ति से किया गया कर्म बंधन है और अनाशक्त भाव से किया गया कर्म कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जो इस प्रकार कर्म करता है, वह काम करते हुए भी एकांत में है प्रश्न हमारा दैनंदिन जीवन इस प्रकार के पर्यटन के अनुकूल नहीं है उत्तर आप क्यों सोचते हैं कि आप सक्रिय हैं आपके यहाँ आने का ठोस उदाहरण लीजिए घर छोड़कर आप बैलगाड़ी में बैठे ट्रेन में बैठे और यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर कर पुणे बैलगाड़ी में बैठे और इस आश्रम में आ गए पूछने पर आप उत्तर देते हैं कि आपने नगर से यहाँ तक यात्रा की क्या यह सच है क्या यह तथ्य नहीं कि आप जैसे थे वैसे ही रहे और पूरे मार्ग पर वाहनों की गति हुई जैसे यानों की गति का भ्रम से आप अपने आप पर आरोप करते हैं यही स्थिति अन्य कार्यों की भी है सब कार्य आपके अपने नहीं बल्कि ईश्वर के हैं प्रश्न निरंतर सक्रिय रहना जिसमें आवश्यक हो ऐसे ग्रस्त के कर्तव्यों के बीच निवृत्ति और मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है उत्तर क्योंकि ज्ञानी की, की प्रवृत्ति अपनी दृष्टि में नहीं केवल दूसरे की दृष्टि में होती है वह चाहे कितने ही बड़े कार्यों में व्यस्त हो वस्तुतः कुछ नहीं करता इसलिए उसके कर्म निवृत्ति की निष्क्रियता एवं मन की शांति में मार्ग में अवरोध रूप नहीं बनते क्योंकि वह इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि सारी क्रियाएं केवल उसके सानिध्य में होती रहती हैं और स्वयं वह कुछ नहीं करता इस कारण वह होने वाली सब क्रियाओं का मौन साक्षी बनकर रहता है प्रश्न क्या पश्चिम के लोगों के लिए अंतर्मुख होना अधिक मुश्किल है उत्तर हाँ वे राजसिक मन से आवश्यकता से अधिक सक्रिय हैं अतः उनकी शक्ति बाहर की ओर प्रवाहित होती है हमें आंतरिक रूप से मौन रहकर आत्मा को भुलाए बिना बाह्य क्रियाओं में प्रवृत्त होना चाहिए क्या एक अभिनेता जो रंगमंच पर स्त्री का पाठ करता है वह यह भूल जाता है कि वह पुरुष है इसी प्रकार हमें भी जीवन के नाटक में अपने आप पाठ का अभिनय करते समय इन पाठों से एक रूप नहीं हो जाना चाहिए प्रश्न मनुष्य दूसरों के आध्यात्मिक प्रमाद को कैसे दूर कर सकता है उत्तर आपने अपने आध्यात्मिक प्रमाद को दूर किया है आप अपनी तलाश को भीतर आत्मा की ओर मोड़िए आपके भीतर क्रियाशील हुई शक्ति दूसरे में दूसरों में भी कार्य करेगी प्रश्न लेकिन मैं दूसरे को उसकी परेशानी और प्रश्नों में सहायता कैसे कर सकता हूँ उत्तर यह दूसरे की बात कहाँ से आई सिर्फ वह एक ही है मैं तुम वह इत्यादि नहीं है केवल एक आत्मा है जो सर्व रूप है ऐसा अनुभव करने का यत्न कीजिए यदि आप दूसरे के प्रश्न में विश्वास करते हैं तो आत्मा से बाहर किसी वस्तु में विश्वास करते हैं बाह्य कर्म के बजाय आप सबकी एकता का अनुभव करके उसकी सर्वोत्तम शायता कर सकते हैं ब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं उत्तर जो ब्रह्म में निवास विचरण करता है वह सच्चा ब्रह्मचारी है तब इच्छाओं का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता प्रश्न श्री अरविंद के आश्रम में यह कठोर नियम है कि विवाहित दंपति साथ रह साथ रह सकते हैं लेकिन जातीय संभोग नहीं कर सकते उत्तर उस उसका क्या अर्थ है यदि मन में उस इच्छा का अस्तित्व हो तो लोगों को जबरदस्ती उसे दूर रहने के लिए कहने से क्या लाभ है प्रश्न आध्यात्मिक विकास के मार्ग में विवाह अवरोध रूप है उत्तर ग्रस्त जीवन अवरोध रूप नहीं है लेकिन गृहस्थ को आत्मसंयम का अभ्यास हर संभव उपासे अवश्य करना चाहिए यदि मनुष्य को उच्चतर पवित्र जीवन की तीव्र इच्छा हो तो उत्तेजना शांत हो जाएगी मनोनाश होने के साथ इच्छाओं का नाश भी हो जाता है प्रश्न मैंने ब्रह्मचर्य भंग का पाप किया है उत्तर यदि आपने किया हो तो भी बाद में उसके बारे में न सोचे तो कोई हानि नहीं है आत्मा किसी भी पाप के बारे में सभान नहीं है और जातीय उत्तेजना का त्याग आंतरिक है अकेले शरीर से नहीं प्रश्न में अपने पड़ोस में रहने वाली एक जवान लड़की के स्तनों को देकर आत्म संयम खो बैठता हूँ तथा अक्सर उसके साथ भी विचार करने की लालसा होती है मैं क्या करूँ उत्तर आप नित्य शुद्ध हैं आपकी इंद्रियां हैं और शरीर आपको ललचाते हैं जिन्हें आप अपना सच्चा आत्मा समझने की गलती करते हैं इसलिए सबसे पहले ये जानने का यत्न कीजिए कि की लालच किसे होती है और लालचाने वाला कौन है लेकिन फिर भी यदि आप विचार करें तो बाद में उसके बारे में विचार न करें क्योंकि आप नित्य शुद्ध हैं पापी नहीं अशुद्धि पाप लालच एवं निर्बलता आपके विचारों तथा आदतों में है, आप में नहीं। से तो आप निस्पाप, शुद्ध, है। हम जातीय विचार का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं उत्तर शरीर को आत्मा मानने के गलत विचार का उन्मूलन करके आत्मा में कोई जातीय लिंग नहीं है आत्मा बने रहिए तो जातीय उत्तेजना की परेशानी आपको नहीं होगी क्या अनशन जातीय उत्तेजना मिटा सकता है उत्तर हां लेकिन यह अस्थायी है मानसिक अनशन सच्ची सहायता है अनशन स्वयं ध्यय नहीं है साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए पूर्ण अनशन मन को बहुत दुर्बल बना देता है अनशन के दौरान आत्मा की तलाश भी जारी रहना चाहिए उत्तर अनशन मुख्यतया मानसिक निर्विचार स्थिति होना चाहिए सिर्फ अन्न न खाने से कोई लाभ नहीं है संभवतः मन अक्षुब्ध होगा आहार नियम से आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है एक महीने तक अनशन के साथ निरंतर आध्यात्मिक तलाश जारी रखी जाए और ठीक ढंग से भोजन लेना शुरू किया जाए तथा विवेक पूर्वक आहार लेना जारी रखा जाए तो अनशन व्रत छोड़ने के दस दिन पश्चात मन शिथर तथा शुद्ध होगा एवं हमेशा ऐसा ही रहेगा यहाँ आकर आरंभिक समय के दौरान में आंखें बंद रखता था और इतने गहरे ध्यान में नी मगन रहता था कि दिन है या रात इसका भी मुझे विशेष ख्याल नहीं रहता था मैं बिल्कुल भोजन और नींद नहीं लेता था यदि शरीर गतिशील रहता है तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है यदि आप भोजन लेते हैं तो आपको नींद की भी जरूरत होती है यदि गतिशीलता नहीं हो तो नींद की आवश्यकता नहीं होती जीवन बनाए रखने के लिए बहुत कम आहार पर्याप्त होता है उन दिनों मेरा ऐसा अनुभव करता था जब मैं आँखें खोलता था तो कोई न कोई मुझे कटोरा भर परवाही आहार देता था केवल उतना ही मेरा आहार था लेकिन एक बात याद रखिए जब मनुष्य उस में, नहीं होता, में, चित बिल्कुल होता है, तब में जुड़े होते हैं तब अन्य एवं निद्रा का त्याग करने से शरीर इतना अस्वस्थ हो जाता है कि खड़ा भी नहीं रहा जा सकता साधक को कितने आहार एवं निद्रा की आवश्यकता होती है इस विषय में कई मत हैं कुछ लोग कहते हैं कि रात के दस बजे से दो बजे तक सोना पर्याप्त है अर्थात चार घंटे की नींद पर्याप्त है कुछ लोग चार नहीं छः घंटे की नींद पर्याप्त मानते हैं इसका अर्थ है आहार तथा निद्रा का अतिरेक नहीं होना चाहिए यदि आप इन दो में से किसी एक को पूर्णतया छोड़ना चाहते हैं तो आपका मन निरंतर उसके प्रति उन्मुख रहेगा इसलिए साधक को सब बातों में मध्यम मार्ग स्वीकार करना चाहिए दिन में तीन चार बार भोजन करने में कोई नुकसान नहीं है लेकिन मुझे किसी विशेष प्रकार का ही भोजन मिलना चाहिए इत्यादि आग्रह मत कीजिए दूसरी बात यह ध्यान में रखने योग्य है कि केवल निष्क्रियता मुक्ति के प्रति नहीं ले जाती क्योंकि जागृत अवस्था के दौरान आप भोजन करते हैं नींद के दौरान नहीं तो क्या नींद आपको मुक्ति के प्रति ले जाती है प्रश्न आहार के विषय में कौन सी बात ध्यान में रखनी योग्य है अतः किसी भी प्रकार के के आध्यात्मिक अभ्यास लिए शाकाहार अनिवार्य रूप से जरूरी है क्योंकि उससे मन सात्विक शुद्ध संतुलित बनता है प्रश्न क्या मांसाहार करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक प्रकाश पा सकता है उत्तर हाँ लेकिन कर्म से उसे छोड़कर सात्विक आहार की आदत डालनी चाहिए एक बार आपने प्रकाश प्राप्त कर लिया तब आहार से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा जैसे प्रबल अग्नि में कौन सा ईंधन डाला जाता है इसका महत्व नहीं होता प्रश्न हम यूरोप के लोगों को विशेष प्रकार के आहार की आदत पड़ गई है और उसमें परिवर्तन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पर पड़ता है तथा मन दुर्बल होता है साधक को शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखना जरूरी नहीं है उत्तर बिल्कुल आवश्यक है शरीर दुर्बल होने के साथ मन प्रबल बनता है प्रश्न हमारी साधन आहार के बिना हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और मन की शक्ति क्षीण होती है उत्तर मन की शक्ति से आपका क्या मतलब है प्रश्न सांसारिक आसक्तियों को छोड़ने की शक्ति उत्तर आहार के गुण मन को प्रभावित करते हैं खाए गए अन्न से मन बनता है और पोषण प्राप्त करता है प्रश्न क्या यह सच है तो यूरोपियन लोग केवल सात्विक आहार के साथ अपना अनुकूलन कैसे कर सकते हैं उत्तर आदत परिस्थिति के साथ किया गया अनुकूलन है मन सबसे मुख्य बात है सच यह है कि कुछ आहार स्वादिष्ट एवं अच्छे हैं। ऐसा मानने की मन को शिक्षा दी गई है शाकाहार तथा मांसाहार दोनों में शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व समान रूप से मौजूद हैं, लेकिन मन ऐसे आहार की इच्छा रखता है जिसे सुस्वादी मानने की उसे आदत हो गई है प्रश्न: सिद्ध पुरुष के लिए आहार संबंधित नियंत्रण आवश्यक है? क्या? उत्तर: नहीं वह शिथर बन गया है और आहार से अप्रभावित प्रभावित रहता है प्रश्न मांसाहार के लिए पशु हिंसा पाप नहीं है उत्तर योगकों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वोपरि है प्रश्न वनस्पति में भी जीवन है उत्तर आप बैठे हैं उस शिला में भी जीवन है प्रश्न क्या हमें धीरे-धीरे की आदत डालनी चाहिए उत्तर हाँ वही सच्चा मार्ग है प्रश्न क्या धूम्रपान जारी रखना अच्छा है उत्तर नहीं क्योंकि तम्बाकू जहर है धूम्रपान नहीं करना अच्छा है आपने धूम्रपान छोड़कर अच्छा ही किया तमकू मनुष्य को पराधीन बनाती है तब वह उसे छोड़ नहीं सकता वह थोड़े समय के लिए उत्तेजना उत्पन्न करती है जिसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है जो और अधिक उपयोग करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है यह ध्यानाभ्यास के लिए अच्छा नहीं है प्रश्न मांस तथा मध्य के त्याग की आप सलाह देते हैं उत्तर उनको छोड़ना इच्छनीय है क्योंकि नए साधकों को इस त्याग से अच्छी और जरूर सहायता मिलती है सामाजिक रसम एवं आदत के कारण उनका त्याग मुश्किल लगता है इसलिए नहीं कि वे वस्तुतः आवश्यक हैं प्रश्न साधारण त्याग आचार के किन नियमों का साधक को पालन करना चाहिए उत्तर आहार निद्रा तथा वाणी में मध्यम मार्ग का अनुसरण इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं अगला वीडियो नंबर चौदह हम शुरू करेंगे उसका विषय होगा योग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों नमस्ते नमस्कार